सो कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन? तो जो डेटा सेट से हम लोग कर रहे थे उसी डेटा सेट को एक बार ओपन करो। तो अभी तक तो हम लोगों ने ग्राफ तक बना लिए थे आई थिंक। ठीक है, तो आप ग्राफ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कमांड्स रन कर लो दोबारा। पैकेजेस भी रन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सुनिए। ये लाइब्रेरी सारे रन कर लीजिए। ना ना, वो तो आप कोड्स तो लिख चुके हो ना उस चीज का, वो सेव भी है। अब चीज ये है कि आपको दोबारा एक बार रन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो रीड नहीं कर पाएगा आपका मेन फाइल को। तो इसलिए शुरू से लेके अब तक का आपको शॉर्टकट्स आपको मैंने बताया था। हाँ, तो सिर्फ अगर सिंगल लाइन कमांड है तो कंट्रोल इंटर, और अगर सबको एक साथ करना है तो सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंट्रोल इंटर मार दो तो एक साथ रन कर जाएगा। नाउ वंस यू हैव रन अप टू द ऑल द पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज, देन यू नीड टू आल्सो व्यू द वेरिएबल्स। फॉर व्यूइंग द वेरिएबल्स देयर इज अ कमांड कॉल्ड str, strgdp1, करेक्ट? So once you run that command, you will see that the output is data frame, because in R or in Python, it is all about vector calculations. Vector calculations means कि matrix या determinant के through वो हर चीज को solve करता है। And आप देखे हो कि कोई भी mathematical equations हो, उस equations को हम क्या matrix form या determinant form में express कर सकते हैं? I think जो लोग basic mathematics पढ़े हो तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस करे होंगे। तो डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस में क्या आपके वेक्टर फॉर्म होता है, एंड वेक्टर फॉर्म के थ्रू आप क्या अननोन इक्वेशंस जो है एक्स एंड वाई का वैल्यूज आप डिटरमाइन करते हो। सेम क्या एलपीपी मेथड भी वही है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो मेथड है उसमें भी क्या आप मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, मैट्रिक्स फॉर्म करके अगर रेशियोज अनइक्वल होता है, कोफिशियंट अनइक्वल होता है, तब भी आप क्या ए और बी का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हो। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ चीज करेंगे, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स क्या है, एक है डेट और दूसरा है जीडीपी। देखो नीचे दो वेरिएबल्स का डिस्प्ले आ रहा है, डॉलर डेट डॉलर जीडीपी। अब क्या जब प्लॉटिंग हम करेंगे तो प्लॉटिंग का जो बेसिक फंक्शन है, तो एक तो सिंपल फंक्शन है प्लॉट GDP1। तो ये कमांड जैसे ही हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि स्क्रीन में जैसे यहाँ पे हाईलाइट देख रहे हो आप कि इट इज जस्ट एन एक्स वाई प्लॉट, ओके, स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट में क्या डॉट्स डॉट्स डॉट डॉट्स ये सारे फॉर्म हुआ है, बट स्कैटर डॉट इज नॉट अ गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू अ लाइन लाइन ग्राफ। सो इन दैट द सिंटैक्स इज गिवन ओवर हियर, द फर्स्ट यू नीड टू इंस्ट्रक्ट दैट ओके आई वॉन्ट टू बिल्ड अ प्लॉट, बट वट काइंड ऑफ प्लॉट आई वॉन्ट टू बिल्ड। First is I want to build a XY plot. So you need to instruct R that plot GDP one dollar date means use the first variable in the data set. I have named the data set as GDP one, and dollar date means in that particular data set, the first column is representing what? The first variable, that is the X variable, which is date. Similarly, GDP one dollar sorry GDP one dollar GDP, it means that under that particular data set, now in the y axis we should use the second variable, that is GDP. And now type is equal to L, that means instead of a dot
Instead of the dot, I want a line. Similarly, the color which I want is red. The line width is 2 points. X lab means X level. So the X level, I want to denote as time. Y level, I want to denote it as GDP. And the main title, I want to give a title to this chart as well. That is GDP over time, right? Now see, right now, currently whatever graph you are viewing on the right hand side in the plots area, you will see that there is a date. There is a particular term called date on the y-axis. The level is termed as date. And in the y-axis, the level is termed as GDP. And there is no title. Okay. So once I run this command, see, now the output has changed. Instead of the dotted plot, it has converted into a red line. Similarly, if you look at the x-axis, instead of date, now it is time. And there is a main title on the chart also. So once this is through, now you can do n number of modifications in this chart. So I leave it to you. Now the main thing is that now I want to build a model. Now what is that model? That is a time series model. Now time series model, whenever we want to construct a time series model, we need the help of the package called time series. Jo pehle maine install kiya tha, install packages time series bolte. Now how I am framing this model, I am naming an object called GDP time series. Ek object mein create kiya, I am creating an object called GDP time series. Under that, I am making a model, see TS. TS is the function. Okay, and you are also seeing that there are a lot of commands. See, the command interface has been shown on the screen in yellow. Ek pop-up dekh rahe ho na? Jaise main TS ko select kiya, to automatically it is showing the command line. Okay. हाँ मतलब इसके अंदर ही सारा कुछ आपका बहुत सारा आप इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो मतलब वो बता रहा है कि ये फीचर मेरे थ्रू हाँ मतलब दिस इज टोटल एंटायर फंक्शन ऑफ टाइम सीरीज अब उसके अंदर मैं कुछ ही चीज यूज करूंगा जो मेरे लिए एसेंशियल है अभी आप लोगों के एंट्री लेवल के लिए मैं कुछ ही चीज रखा हूँ से फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली फोरकास्ट आपको किसको करना है जीडीपी को करना है टाइम को नहीं करना है राइट So I have selected the second variable GDP1. पहले क्या database का नाम आ रहा है कि कौन सा database से मैं data को extract कर रहा हूँ Second किस variable के ऊपर मैं time series generate करना चाह रहा हूँ GDP के ऊपर Next अब एक देखो start mean GDP1 dollar date it means I am giving the date range कि किस date से किस date का data लेके मैं prediction करूँगा तो मैं बोल रहा हूं कि जो टोटल जितना टाइम पीरियड है उसमें से आप सबसे मिनिमम टाइम ले लेंगे मतलब अर्लियर डेट इफ यू लुक एट दिस डेटा एक मिनट इफ यू लुक एट दिस डेटा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1960 करेक्ट एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन इट इज एंडिंग टू 2020 सो 61 इयर्स ऑफ डेटा हमारे पास है तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन से क्या क्रिएट कर रहा हूँ कि जो सबसे पुराना डेट है 1960 वहां से आप फोरकास्ट ले लो यस वहां पे 1960 भी टाइप कर सकते हो उसको आप बोल सकते हो कि आप नहीं 2000 से उसे फोरकास्ट करो क्योंकि मेजर चेंजेस इफ यू लुक इन द जीडीपी पैटर्न दैट हैज हैपेंड आफ्टर द ईयर से 1990 when LPG policy was adopted and another breakthrough policy when the IT policy was also adopted in 2000 and certain other you can say FDI for the first time in India opened up in retail for 100% so that was a major significant you can say move made by the government in those region correct so we can forecast shift the forecast period from 1960 to 2000 also but that depends totally on us that how we want to forecast so from that perspective here again I am coming back to the formula here see you can adjust this is at your choice ki aap kaun sa date se forecast lena chahte ho forecast period ko ab uske baad end means maximum means ye aapka main data set rahega jiske through aap time series ko
मॉडल को अप्लाई करो. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन. फ्रीक्वेंसी वन मैं क्यों लिखा हूं, बिकॉज वन मीन्स एनुअल, आई वॉन्ट एन एनुअल फोरकास्ट. बट सिमिलरली अगर मान लो कि आपके पास मंथली डेटा हो, जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से, जैसे मैं करेंसी का डेटा बता रहा हूँ, तो मंथली फोरकास्ट जब भी मैं बात करूंगा तो क्या वहां पे 12 लिखना पड़ेगा आपको फ्रीक्वेंसी में? हाँ, मतलब जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है. जनरल तौर पे यही चार फॉर्मेट्स यूज होता है, 1, 4, 12 and 52. ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्या, अब जैसे ही इसे मैं रन कर रहा हूं तो ये कमांड लाइन रन हो रहा है, मेरा टाइम सीरीज मॉडल रन हो गया. अब रन होने के बाद क्या, अब एक बार देख लेते हैं कि क्या है. अब देखो ये डेटा फ्रेम बन गया है, जहां पे क्या 61 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये दिख रहा है. नेक्स्ट अगर डेटा फ्रेम का एलिमेंट्स आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि इतने सारे जीडीपी का डेटा पॉइंट्स उसने लिया है. ओके, जीडीपी टाइम सीरीज, तो ये टाइम सीरीज का डेटा है आपका. ओके, देखिए यहाँ पे भी ये 37.02988 है, यहाँ पे भी 37.02988 है. सिमिलरली ये सेम डेटा पॉइंट्स यहाँ पे इसने इस मॉडल के अंदर रखा है. नेक्स्ट अब इंटरेस्टिंग और थोड़ा हो जाएगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टेस्ट्स करने पड़ेंगे. टेस्ट किस लिए करने पड़ेंगे, टू सी द होमोजेनिटी ऑफ द डेटा, कि डेटा हमारा होमोजेनियस है कि नहीं है. क्योंकि इस ग्राफ से जो राइट साइड में ग्राफ अभी दिख रहा है, तो इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रेंड नजर आ रहा है ना. और ट्रेंड के साथ साथ क्या, कुछ इरेगुलर मूवमेंट्स मुझे दिखने को मिल रहे हैं, कुछ इरेगुलर मूवमेंट्स. तो ये इरेगुलर मूवमेंट्स किस लिए होता है, ड्यू टू एरर और नॉइज जिसे हम बोलते हैं. तो हम देखेंगे कि क्या हमारे डेटा के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज है या नहीं है. तो उस नॉइज को डिटेक्ट करने के लिए वी कंडक्ट अ टेस्ट कॉल्ड ACF, दैट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. ठीक है, तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जैसे ही हमने ये टेस्ट को रन किया तो देखो एक आपका ऑटो कोरिलेशन प्लॉट यहाँ पे आ गया है. तो ऑटो कोरिलेशन प्लॉट अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि एक मिनट, ऑटो कोरिलेशन यहाँ पे प्लॉट दिखा के हमें बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी आइटरेशंस. से फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि 10 आइटरेशंस के बाद 11वें आइटरेशंस, एंड लैग का मतलब क्या है कि आप टाइमली एक डिफरेंस ले रहे हो. से फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा आना पड़ेगा, आप लोगों को भी आना पड़ेगा, लैग का मतलब भी समझाना पड़ेगा. तो जब हम बोलेंगे लैग ऑफ वन का मतलब क्या है, इस तरीके से जब लैगिंग हम करेंगे, लैग करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से नंबर ऑफ लैग्स है, लैग इज बेसिकली कि कितना नॉइज का हो रहा है, कितना नॉइज कंपोनेंट. तो हम डिफरेंस ओरिजिनल से इस पर देख सकते हैं और उस डिफरेंस से हम कोरिलेशन करेंगे. तो हम देखेंगे कि किस मोमेंट पे ये डेटा और ये डेटा एक सीन है, कितने ऑर्डर. तो यहाँ पे अगर डायग्राम आप देखोगे तो टेंथ ऑर्डर के बाद, लैग ऑफ टेन के बाद क्या उसी को पैरेलल लाइन है ना, उस पैरेलल लाइन के अंदर डेटा इज
होमोजीनियस और कॉन्स्टेंट, उसके अंदर या नॉइज कोई नॉइज नहीं, तो उसे हम बोलेंगे डेटा इज स्टेशनरी एज पर टाइम सीरीज मूव इन द मीटर दैट डेटा इज स्टेशनरी. तो ये है कि आपको स्टेशनरी के एक करने के लिए देयर आर टू मीटर्स, वन इज पीएस दैट इज पार्ट पार्शियल प्रोपगेशन, एक टोटल प्रोपगेशन है, ये तो अपने टोटल का हम ये टोटल और एक पार्शियल, पार्शियल में क्या आप बाईपास करते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोरिलेशन कॉन्सेप्ट सबको पढ़ना पड़ेगा. तो पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, तो सिर्फ नाम से होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. कितने फाइल खोल तो स्टूडियो में करो ना, आर क्यों खोल के रखो स्टूडियो में. आपको जो भी करना है आर स्टूडियो में करना. तो आपकी स्क्रीन है सर. अच्छा ये मेरा स्क्रीन है, सॉरी. हाँ तो उसे उस फाइल को सेव कहाँ किए? मैं सेव कर दिया था, उसके बाद कुछ आया ही नहीं, वो बस मैंने ओके कर दिया था. तो फिर सारे कमांड्स लिखना पड़ेंगे फिर से? नहीं नहीं सर, तो क्या था मैंने उसको बंद करके चलाते हुए देखा था. अरे कहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे सेव की, कहाँ पे किए थे? नहीं था, नहीं डाउनलोड फाइल्स डॉक्यूमेंट्स पे. हाँ तो कहाँ पे है देखो, डॉक्यूमेंट्स में कहाँ है, कहीं पे तो सेव किए होगा ना. इसका फॉर्मेट क्या होगा? एक आर का फाइल इस तरीके से आया, ये देखो मैं अपने फोल्डर में जहाँ पे सेव किया हूँ इस नाम से सेव किया हूँ. तो दैट मींस आपने कुछ लिखा ही नहीं. और ये आर क्यों खोले हो आप, आर 64 बिट आप इसको क्यों खोल रहे हो? आप आर स्टूडियो खोलो ना, ये तो है. तो दिस इज द फाइल, इसे खोलो आप. यही तो है. कहाँ से खोल दिया था? डाउनलोड्स में से, डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था मैंने. पहले हो जाने दो, उसके बाद प्लॉट करना. अरे भाई तुम सही आइकॉन पे, सही फाइल आइकॉन पे क्लिक करोगे तभी तो खुलेगा. तुम इस पे क्लिक कर रहे थे. आएगा आएगा, दो मिनट रुको, सारा कमांड अभी यही है ना. हाँ यही है, सिलेक्ट कर. टाइम सीरीज भी कर चुका हूँ. हाँ तो ऊपर तक, ऊपर ले, पहले ऊपर एक एक करके रन करो, एक एक करके रन करो. हाँ ऊपर वाला सबसे पहले मेन फाइल रन करो, डेटा फाइल. बिल्कुल उसे छोड़ के होगा कैसे? हाँ इतना ही था, इसके बाद से आप पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे होगा. हाँ बस लाइब्रेरी उतना तक करके रखो, पहले होने दो, रन होने दो, फिर करो. इसलिए बोलता हूँ कि सेव करके रखो, इसका एक बैकअप भी रखो मेल में. एंड फाइल साइज बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत छोटा फाइल साइज है. सो कमिंग अगेन टू दिस ACF फंक्शन, नाउ यू हैव सीन दैट देयर आर टू ब्लू लाइंस, वन इज अराउंड -0.2 एंड अनदर इज जस्ट अबव 0.2. सो योर डेटा or data lags should be in between these two lines. If it is in between these two lines, then we can say that, okay, our data is stationary, correct? Similarly, there is another test. Sometimes ACF fails to detect that whether our data is stationary or not.
Correct. Say for example, in this case, we are seeing that when sir, when. जैसे इन दो लाइन्स के बीच में आ गया. अब अगर हमारा डेटा में नॉइज़ आ रहा होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है देखो कि जीरो टू जनरली एक से दो लैग्स मैक्सिमम वन टू टू लैग्स के अंदर क्या आपका ये डेटा स्टेशनरी हो जाना चाहिए. ठीक है, तब उसे हम अच्छा डेटा बोल सकते हैं. अदरवाइज उस डेटा के अंदर साइक्लिसिटी भी हो सकता है, ट्रेंड भी हो सकता है, सीजनलिटी भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है कंपोनेंट. तो यहाँ से ही इंडिकेशन हो रहा है कि देयर इज अ ट्रेंड. हाँ, मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ले रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, फिर सेकेंड ऑर्डर ले रहे हैं. हाँ, गैप बढ़ेगा और फ्लैट होगा. मतलब जो ओरिजिनल डेटा है और जो एवरेज, ये जो लाइन है दिस इज ऑलमोस्ट डिफरेंस का एवरेज है, तो उस एवरेज लाइन के पैरेलल रहेगा डेटा हमेशा. अब PACF भी वैसे ही सेम फंक्शन है. ठीक है, एक डायरेक्ट आप PACF ऑफ GDPS कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑलमोस्ट बाय सेकेंड ऑर्डर ये दोनों क्या स्टेशनरी हो गया है. पहले रीडिंग था क्या, जीरो या वन पे रीडिंग था. फर्स्ट ऑर्डर लैग पे इट वाज नॉट स्टेशनरी. ये जो लंबा लाइन देख रहे हो ना, उसके बाद ये सारा क्या ब्लू लाइन के अंदर हो गया. तो दैट मींस फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर लैग टू से हमारा क्या पूरा ये डाटा स्टेशनरी हो गया. अब ये स्टेशनरी डिटेक्ट करने के लिए अब कुछ और टेस्ट भी है. ये तो ग्राफिकल मेजर्स हो गए थे, अब कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स भी हैं जिसका नाम है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, ADF बोलते हैं. ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड AUGMENTED ऑगमेंटेड डिकी DICKEY डिकी फुलर FULLER डिकी फुलर टेस्ट, इसीलिए इसका नाम है ADF. ओके, तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट हमें लगाना पड़ेगा, बट किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, टाइम सीरीज मॉडल के ऊपर लगाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई रिमेंबर वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड GDP टाइम सीरीज. तो हम उस GDP टाइम सीरीज पे क्या इस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं. और देखो जैसे ही हम इस ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या बोल रहा है कि हमारा डिकी फुलर टेस्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो -0.16676 आ रहा है. एंड लैग ऑर्डर थर्ड, दैट मींस थर्ड ऑर्डर लैग पे जो डायग्राम में भी यहाँ पे PACF प्लॉट में दिखा रहा है कि आफ्टर थर्ड ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर थर्ड ऑर्डर क्या हमारा स्टेशनरी है. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि स्टेशनरी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा. देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नीचे लिखा हुआ है स्टेशनरी. जो अब जौन सा भी हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रूफ होगा तो वहां का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा. सो दैट मींस ये SPSS आपको नहीं बताता है कि कौन सा हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि R इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट विच हाइपोथेसिस हैज गॉट सेटिस्फाइड. करेक्ट. नाउ वी विल इंक्लूड अ मॉडल कॉल्ड ARIMA मॉडल. अब इस ARIMA को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगेन आई हैव टू कम दैट साइड. ना ना कोई बात नहीं. ARIMA stands for Auto-Integrated Moving Average. अब इसका मतलब क्या है? अब देखो GDP को मैं regress कर रहा हूँ in each time, right? That means I can say that GDP is my variable measure dependent variable, which is a function of this H variable or a time variable. Correct? तो यहाँ पे auto regression क्या है? Time. This is auto regression. Clear? अब आता है moving average. Moving average means क्या? मैं predict करने के लिए, trend को predict करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? X1 plus X2 plus X3 divided by 6 is about 3 years moving average. करके मैं ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश करूं. अब अगेंस्ट टाइम एंड मूविंग एवरेज ये दोनों चीज को इंटीग्रेट तो कर ही रहा हूं, साथ साथ क्या मैं डिफरेंशियल भी ले रहा हूं, जो मैं ये लैग का बात कर रहा हूं.
तो इन तीनों को एक साथ डाउनलोड करो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑल्सो बहुत सारा है ना, तो उस केस में क्या होगा कि एआर ऑफ आप बोलोगे कि ऑटो रिग्रेसिव ऑफ सेकंड और थर्ड, यहां पे सिर्फ एआर वन प्रोसेस है, ये सिर्फ हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है, बट मान लो कि टाइम के साथ साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था और इन्फ्लेशन किया था देन यू वुड हैव बीन व्हाट कि एआर ऑफ ऑर्डर प्रीमियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, जैसे ये जो इंटीग्रेशन जो हो रहा है, इंटीग्रेशन किस ऑर्डर लैग पे हो रहा है, तो यहाँ पे लैग कितना है हमारा, थ्री थर्ड ऑर्डर लैग में, थर्ड ऑर्डर लैग में क्या हमारा डेटा स्टेशन जो है, ठीक है, तो जनरली से हम पीडीक्यू बोलते हैं, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर रिलीज सर, बी स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस और लैग, ठीक है, and Q stands for the order of moving average. तो तीन तीन साल का moving average है, एक साल का है, दो साल का है, क्या साल? Clear है ये terms? ये पढ़ने के लिए और तीन साल का दो साल का पढ़ने के लिए, ठीक है? चलो, thank you so much. करने का वो ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो जेनरेटिंग आरिमा पीडीक्यू मॉडल, तो पीडीक्यू का यह पे फुल फॉर्म मैंने जितना हो सका देखो किया है, राइट, देखो नीचे मैंने डिफाइन भी किया, पी इज द नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स, 107 लाइन पे आओ, 107 लाइन कोड पे आओ, आर यू एट द 107 कोड लाइन, तो 107 कोड लाइन पे देखो कि मैंने लिखा है कि p इज द नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स, हियर p इज इक्वल्स टू 1 व्हिच मींस x1 इज इक्वल टू जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ओनली टाइम, सिमिलरली d इज व्हाट नॉन सीजनल डिफरेंसेस नीडेड फॉर स्टेशनरी, तो नॉन सीजनल कितने डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा वो हमें मॉडल से पता लगेगा जब हम रन करेंगे आरिमा मॉडल को। नेक्स्ट क्या, क्यू, क्यू इज द नंबर ऑफ लैग फोरकास्ट एरर्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ इक्वेशन, हियर द एरर्स आर स्टेशनरी एट अ लैग ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, तो लेट्स सी। और एक चीज है एआईसी, एआईसी का मतलब क्या है, एकाइकेस इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, और एक क्राइटेरिया होता है बेशियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, उसे किसी किसी सॉफ्टवेयर टूल्स में आउटपुट जो आता है उसे स्वर्ड्स इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया बोल के भी आता है, एसआईसी बोल के भी आता है, सो देयर आर थ्री मेजर्स, एआईसी, बीआईसी, एसआईसी, ठीक है, टू फास्ट, अच्छा ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली आपने स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़े हो, स्टैंडर्ड एरर, आरएमएससी, मान लो ये झापड़ मार लो खींच के, मैंने ही पढ़ा है आरएमएससी के बारे में, टाइम सीरीज एक्सेल में पढ़ाया है मैंने आरएमएससी, क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको हैंड्स ऑन मैंने कराया है डेटा के साथ, व्हाट आर यू टेलिंग मी, धनक कराए थे या नहीं कराए थे, देन अब तो ये था नहीं तो मेरा गलती है क्या, थोड़ी पहली बात तो देखो इस एज में आके तुम ये नहीं बोल सकते आज नहीं तो कल तुम जॉब में जाओगे, तुम ये नहीं बोल सकते कि कल मैं नहीं आया था तो मुझे पता नहीं कि ऑफिस में क्या हुआ था, पहला तो ये सुन सीख लो, दूसरा चीज क्या, कल अगर आप नहीं आए थे तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी तुम्हारा कलीग है उसे तुम समझो कि कल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और उसे सीखो, चाहे यूट्यूब का वीडियो देख के सीखो या कैसे भी सीखो,
अभी थोड़ा सा बंद रखा हूँ 3-4 दिनों से, क्योंकि इंटरनेट का यहाँ पे इशू चल रहा है ना, तो इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, अदर कोई रीजन नहीं। बाकी इफ यू फॉलो माई दोज लेक्चर वीडियोज ऑल्सो, तब भी आपको पता चल जाएगा कि व्हाट हैज हैपेंड इन द क्लास। राइट, सो AIC के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। AIC जैसे RMSE है, RMSE में क्या हम फोरकास्ट एरर को ट्रेस करते हैं। तो फोरकास्ट एरर आप देखे हो कि एक क्या हम कंप्यूट करते हैं, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, वो होता है बायस, और दूसरा क्या है जो आपका एक्चुअल वैल्यू माइनस द मीन वैल्यू जब हम बोलते हैं, सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस द एवरेज वैल्यू जब हम करते हैं, तब हमें क्या एवरेज वैल्यू से डिविएशन कितना है वो हमें पता चलता है। तो RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर, आई रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर से हमें ये पता चलेगा कि एवरेज वैल्यू से हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो कितना दूरी पे है। सो दिस इज अ साइन कि आपका मॉडल, जिस मॉडल में RMSE का वैल्यू सबसे कम होगा, दैट मीन्स दैट मॉडल विल डू बेटर। सेम वे में AIC और BIC या SIC जो भी नाम दो, बेशियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया को कभी कभार स्वार्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया भी बोला जाता है। AIC और BIC दोनों जिसको भी लो, उनका वैल्यू जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा मॉडल है आपका। क्या बताया मैंने, जितना कम वैल्यू है उतना अच्छा मॉडल है। तो फर्स्ट अब क्या हम एक आरिमा मॉडल रन कर रहे हैं। अब देखो, इसीलिए मैंने अब नाम दिया है कि GDP मॉडल इज इक्वल टू ऑटो आरिमा, ऑटो डॉट आरिमा, दिस इज द फंक्शन कि ऑटोमेटिक आरिमा मॉडलिंग आप करो और करके देखो कि वो जो PDQ वो जो पैरामीटर है ना वो कैसे सेट होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं किस डिफरेंसिंग में मेरा मॉडल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखना कि जब मैं रन करूंगा इसे, रन करने के बाद मेरे को पास मल्टीपल मॉडल्स का रिजल्ट आएगा, एंड वहां से मुझे पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में विच मॉडल इज गुड, उसी मॉडल को मैं फाइनलाइज करूंगा। तो अब क्या मैंने यहाँ पे बोला कि किस डेटा से आपको ये आरिमा मॉडल बनाना है, GDP टाइम सीरीज मॉडल से। और क्या IC इज इक्वल टू क्या इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया मीन्स कि एरर का जो इंफॉर्मेशन है वो एरर का इंफॉर्मेशन मैं किस मेजर से मेजर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया AIC से मैं मेजर करूंगा। और ट्रेस इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स दे नीड टू डिटेक्ट द एरर्स which I am saying that yes, you need to detect the errors. So once I press control and enter, अब देखो मेरे पास नीचे एक आउटपुट आ गया है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूं ताकि आप देख पाओ। हाँ, नाउ इफ यू सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आरिमा 2,2,2 मॉडल, दिस इट मीन्स दैट आरिमा ऑफ P इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 2, एंड उसका जो AIC है दैट इज 701.2098, करेक्ट। सिमिलरली देयर इज अनदर मॉडल ऑफ आरिमा व्हिच इज 020, करेक्ट, व्हिच हैज अ AIC वैल्यू ऑफ 715। बट इफ यू कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज, इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड दैट द फोर्थ मॉडल आरिमा 0,2,1, तो उसमें AIC वैल्यू देखो 695.3488 है। सो दैट इज द लोएस्ट, दैट मीन्स दिस आरिमा मॉडल इज द बेस्ट, क्लियर। तो जैसे ही मुझे डिटरमाइन हो गया कि हाँ ये मेरा सबसे बेस्ट मॉडल है, तो इस मॉडल से अब मैं क्या फोरकास्ट करूंगा। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, ठीक है। तो ये क्या माई GDP फोरकास्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फंक्शन है फोरकास्ट, अब इसके लिए क्या कौन सा पैकेज में यूज करूंगा फोरकास्ट पैकेज को। अभी तक जितना भी चीज था सब टाइम सीरीज पैकेज का मटेरियल था। नाउ वी आर यूजिंग व्हाट, फोरकास्ट पैकेज। नाउ इन फोरकास्ट मॉडल किस में बनाए हैं, जो GDP मॉडल हमने पिछले केस में स्टोर किया था। देखो, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड GDP मॉडल इक्वल्स टू ऑटो आरिमा। हमारा आरिमा मॉडल कहाँ पे स्टोर है, GDP मॉडल में स्टोर है।
एंड ऑटोमेटिकली आर का ये फीचर है, जो बेस्ट मॉडल होगा वो उसी को लेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है कि हमारा जो फोर्थ मॉडल इज आवर बेस्ट मॉडल, तो उस मॉडल को लिया। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेरा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में जनरली हम लोग टेस्ट को कॉन्डक्ट करते हैं, कोई भी टेस्ट को। एंड एच इज इक्वल टू 10, एच इज इक्वल टू 10 मीन्स कि कितने पीरियड का फोरकास्ट मैं करना देखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट अ फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट 10 पीरियड्स। तो सिमिलरली मंथली अगर 6 महीने का आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स का करना है, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू आपको 6 लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? देखो 95 या 1% मतलब 99% इट इज योर चॉइस एंटायरली। जनरल तौर पे रिसर्च पे क्या हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को 95% पे सेट करते हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली, 5% इधर उधर हो सकता है, बट अगर आपको श्योर है कि आपका डेटा बहुत अच्छा है तो यू कैन ऑल्सो सेट इट एट अ स्ट्रिंजेंट लेवल ऑफ 99%। ठीक है, 100 तो फिर हाँ। तो देखो यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है बेस्ट मॉडल, देखो आर ने आउटपुट भी दे दिया था, बेस्ट मॉडल इज आरिमा 0.2.1। अब मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, आई एम रनिंग दिस कमांड। आफ्टर रनिंग दिस कमांड अब क्या मुझे फोरकास्टेड वैल्यूज भी तो देखना है कि नेक्स्ट 10 पीरियड्स का। तो जिस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर किया है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फोरकास्ट फंक्शन लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं आप देखूंगा, चेक करूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे माय जीडीपी फोरकास्ट को रन किया, तो यहाँ पे 4 चीज आया। एक, जिस पीरियड का मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑफ टाइम फॉर विच आई एम फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज द फोरकास्ट वैल्यू, इट इज एक्चुअली द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द मॉडल, नेक्स्ट 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द मॉडल कैलकुलेशंस। एंड दिस इज लोअर साइड ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, एंड दिस इज द हायर साइड। प्लस माइनस होता है ना, टू टेल्ड में प्लस माइनस होता है, वो रेंज आके है कि इससे इसके और इसके बीच में लाई करेगा मेरा जीडीपी। तो ये सिमुलेशन के थ्रू ही ये रिजल्ट्स आए हैं, तो इसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे इस साल में हमारा जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो इसके और इसके बीच में रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिक उस बेस्ट मॉडल में ही तो लगा के ये रिजल्ट दिखा रहा है आपको। हाँ, 0-1 वाला बेस्ट मॉडल। अब क्या आप इसे अगर प्लॉट करने चाहते हो, तो प्लॉट माय जीडीपी फोरकास्ट और देखो कि आगे वाला जो पीरियड है, तो आगे वाला पीरियड के लिए भी आपके पास यहाँ पे फोरकास्टिंग दिखा रहा है। तो इसी को आप क्या कॉपी एंड पेस्ट करो, पेस्ट करके अपना एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के आप दिखा सकते हो। और सोचो कि ऐसे ही अगर 10 करेंसी का आपने एक रिपोर्ट बनाया, तो वो रिपोर्ट आप क्या मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। कोई ब्रोकरेज फर्म यही चीज देखता है आपका कि पाउंड अगेंस्ट INR कितना जाएगा, मेजर जो ट्रेडिंग करेंसीज है। तो अब मॉडल को फाइनल एक हम चेक देंगे, उस चेक में क्या एक जंग बॉक्स टेक्स्ट बोलते हैं हम, इसे एल साइलेंट हो जाता है, इसे हम जंग बोलते हैं। जंग बॉक्स टेस्ट, और भी बहुत तरीके का टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये जो जंग बॉक्स टेस्ट है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो रेसिडुअल्स हैं मॉडल का, वो रेसिडुअल्स का मॉडल का वो भी स्टेशनरी है या नहीं, जंग टेस्ट यही कंफर्म करता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम देख रहे हैं कि हाँ, जो हमारे यहाँ पे जीडीपी है, तो जीडीपी का जो रेसिडुअल्स है वो क्या आपका सेटिस्फाइंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो पी वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.05, तभी हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि हाँ कि हमारा रेसिडुअल्स क्या स्टेशनरी है। नल हाइपोथेसिस इज रेसिडुअल्स आर नॉन स्टेशनरी, बट वेर एज द अदर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रेसिडुअल्स आर स्टेशनरी। तो इफ पी वैल्यू वॉज से लेसर देन 0.05, देन वी वुड हैव टोल्ड that yes, the residuals are stationary. Now, what is the reason why this value is adverse? हमारे मुताबिक क्यों नहीं ये value आया? Because
GDP is not influenced only by time. There are several other components of GDP like inflow and outflow of capital. Next is interest rate. Interest rate,